तो अब देखिए, आज से आपका चैप्टर नंबर 5 वर्कबुक स्टार्ट होगा। तो पहले सब लोग एक बार अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और आ जाइए आप लोग पेज नंबर 30 पे। ठीक, जो आपने चैप्टर वहाँ पढ़ा था 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस, वही चैप्टर का नाम यहाँ है। यानी जो नाम होता है वो दोनों का सेम ही रहता है। सबसे पहले कुछ वर्ड पावर है, एक बार इस वर्ड पावर को देखिए। वर्ड पावर में जो ये सेक्शन है इसमें लिखा हुआ है मैच सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी आपको कुछ शब्द दिए और आपको इन शब्दों के सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी, तो आपको इनके समानार्थी जो भी हैं जिनके अर्थ एक जैसे हैं उनको आपस में मैच कर देना है। तो इसमें जो पहला वर्ड दिया है वो है अवेयरनेस। इसमें अवेयर वर्ब होती है और नेस लगा करके इसको नाउन फॉर्म में लाए। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ें समझ में आ सकती हैं। जैसे अवेयर है, अवेयर का अगर हमें नाउन बनाना है तो इसमें नेस लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका अवेयरनेस। अवेयरनेस को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लें जागरूकता। और इसे आप मैच करेंगे जो थर्ड नंबर पर दिया है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस भी वर्ब होती है, उसमें आप नेस लगा करके उसको भी नाउन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। और कॉन्शियसनेस का भी मतलब जानकारी होती है, जागरूकता जानकारी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो वर्ड दिया है वो दिया है अकम्प्लिशमेंट। इसका मतलब उपलब्धि होती है। ये भी अकम्प्लिश जो वर्ड वर्ब होती है उसमें मेंट लगा करके इसी तरीके से इसका नाउन बनाया है। और इसे आप मैच कर देंगे अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि होती है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपका जो वर्ड दिया है वो है कमिटमेंट। इसमें भी कमिट वर्ब है, मेंट जोड़ करके इसको नाउन फॉर्म में लाए तो ये हो गया आपका कमिटमेंट, वचनबद्धता। और इसको आप मैच कर देंगे प्रॉमिस से। प्रॉमिस वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, तो प्रॉमिस का मतलब वादा करना भी होता है और प्रॉमिस मीन्स वादा भी होता है। इसके बाद अगला जो वर्ड है वो है एस्टीम। एस्टीम होता है सम्मान करना, ये वर्ब भी है और एस्टीम सम्मान नाउन भी है। तो यहाँ चूँकि नाउन फॉर्म में है इसको आप मैच कर देंगे रेस्पेक्ट से। तो इस तरीके से आपके जो वर्ड्स हैं, हालांकि ये एग्ज़ाम में कभी आए नहीं है और इनके लिए कहीं कोई एग्ज़ाम में जगह भी नहीं है। इसके बाद जो 20 सेक्शन है इसका, इसे क्रॉस कर दीजिए, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। और जो कॉम्प्रिहेंशन है पेज नंबर 31 पे, उस पर आ जाइए और देखिए चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ जो करेक्ट अल्टरनेटिव है वो आपको सही विकल्प जो है, तो आपके सामने दो विकल्प दिए और दोनों विकल्पों में से आपको कोई एक विकल्प सेलेक्ट करना है। जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था तो टेक्स्ट बुक की नॉलेज के आधार पर यहाँ आपको आंसर देने हैं। जैसे जो फर्स्ट है इन लॉ फर्स्ट द ऑथर फोकसेज ऑन, तो जो पहला नियम वहाँ आपने पढ़ा उस पहले नियम में लेखक किस बात पर प्रकाश डालता है, यहाँ आपको ये बताना है। तो मेरे ख्याल से वहाँ समझ में आ गया था। तीन चीज़ों की अपन चर्चा कर रहे थे, एक टाइम मैनेजमेंट, एक इवेंट कंट्रोल, तो वहाँ मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन उसमें से भी जो मेन थिंग मैंने आपको बताई थी, क्वेश्चन में भी बताया था, वो इवेंट कंट्रोल था। तो यहाँ पूछा है कि टाइम मैनेजमेंट फोकस करते हैं पहले जो रूल है उसमें या इवेंट कंट्रोल को, तो यहाँ बता देंगे कि इवेंट कंट्रोल को वहाँ हम फर्स्ट रूल में फॉलो कर रहे थे। इसके बाद देखिए जो सेकंड आपका जो सेंटेंस है, एज पर लॉ सेकंड लॉ के अनुसार हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए, यानी आप प्राथमिकता किसको देंगे। टू, एक तो फॉर्मिंग वैल्यूज़ और एक गवर्निंग वैल्यूज़। तो मेरे ख्याल से आप आसानी से बता देंगे कि गवर्निंग वैल्यू को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके बाद जो नंबर थर्ड है द रूल ऑफ गवर्निंग वैल्यूज़, यानी जो गवर्निंग वैल्यू के रूल हैं जो नियम हैं मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन वंस। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिखाई देना, कि जो गवर्निंग वैल्यू है वो कहाँ देखे जाने चाहिए।
तो गवर्निंग वैल्यू कहाँ देखे जाने चाहिए, इन वंस डीड, किसी के काम में। इसके बाद आगे देखिए, फिजिकल और मेंटल, तो वहाँ कंफर्ट जोन की बात करी गई थी। कंफर्ट जोन्स आर मोर डिफ़िकल्ट टू लीव, तो कौन से ऐसे कंफर्ट जोन्स हैं जिन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो वो मैंने वहाँ आपको बताया था कि फिजिकल कंफर्ट जोन को आप बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, थोड़ी कोशिश करेंगे तो छूट भी जाते हैं, लेकिन अगर कोई मेंटली कंफर्ट जोन आपने बना लिया तो उसको छोड़ना काफ़ी टिपिकल होता है। हालांकि अगर थोड़ा सा एफर्ट अगर आप करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए जो 5 नंबर का है, डॉक्टर कलाम्स फोकस इन लॉ 5 इन ऑन डॉट 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 प्लानिंग, तो लॉ 5 में डॉक्टर कलाम ने किस चीज़ पर फोकस दिया था, दो चीज़ें यहाँ बताई हैं, एक एनुअल प्लानिंग है और एक डेली प्लानिंग है। तो डेली प्लानिंग भी फेल हो जाती है, एनुअल प्लानिंग तो कहाँ चलेगी, तो इसलिए डेली प्लानिंग को आपने यहाँ करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वन बिलीव्स इज रिफ्लेक्टेड, कोई जो विश्वास करता है वो दिखाई देता है थ्रू वंस, यानी आपका जो विश्वास होता है तो वो विश्वास काय में दिखता है, तो वो विश्वास आपका दिखता है एटीट्यूड में और बिहेवियर में। तो यहाँ दोनों में मेरे ख्याल से बिहेवियर लगाइए। इसके बाद लॉ 7 देखिए, व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ अवर बिहेवियर मीट अवर बेसिक नीड्स, जब आपका जो रिजल्ट होता है, आपका जो परिणाम है वो मिलता है काय का, ऑफ योर बिहेवियर, आपके व्यवहार का मीट अवर बेसिक नीड्स, और वो बेसिक नीड्स से मिलता है, तो वी हैव, इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो करेक्ट है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो करेक्ट बिलीफ है, यानी जिस विश्वास पर चलकर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, बस वही एक करेक्ट बिलीफ होता है। इसके बाद देखिए कि निगेटिव बिहेवियर डिफीट्स अवर टू टेक कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ, यानी जो निगेटिव बिहेवियर होता है वो क्या करता है, डिफीट, वो पराजित कर देता है, अवर टू टेक कंट्रोल ऑफ लाइफ, जीवन पर नियंत्रित करने के, तो किस चीज़ को, तो निगेटिव बिहेवियर जो होता है जीवन पर नियंत्रित करने के प्रयासों को, अटेम्प्ट्स। इसके बाद 10 नंबर में देखिए कि इफ़ वी ऑल शेयर और कलेक्ट, इन दो में से एक देखना है कि यदि हम सब लोग इकट्ठा करते हैं या बांटते हैं अवर एक्सेस अपनी अधिकतम वस्तुओं को विद अदर्स, दूसरों के साथ, तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, तो दुनिया की ज़्यादातर समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं। तो क्या करते हैं अगर अपन, जैसे आपके पास किसी चीज़ की अधिकता होती है, अगर आप उसे दूसरे के संग शेयर करते हैं तो दूसरे के पास जो अधिकता होती है वो आपके संग शेयर करेगा, तो इस तरीके से दोनों के पास ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका पेज नंबर 32 में जो दिया है वो लैंग्वेज प्रैक्टिस है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि आपके जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें आर्टिकल हैं, ठीक है, यहाँ आर्टिकल्स हैं, इन्हें क्रॉस नहीं करना है, ये जब आपकी ग्रामर का सेक्शन हो जाएगा तब आपको यहाँ फिल कराया जाएगा, तो उसके बाद आप इसे फिल कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप 32 और 33 इन दोनों को अभी छोड़ दीजिए और आप आ जाइए डायरेक्ट पेज नंबर 34 पे। और 34 में सबसे टॉप पे देखिए आपको मिल रहा है स्पीकिंग टाइम। स्पीकिंग टाइम इसलिए होता है कि आपके जो वर्ड दिए हैं आप इन्हें बोलिए और बोल करके इनकी प्रैक्टिस करिए, ये एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ नहीं है, इसे क्रॉस कर दीजिए। और इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 34 पर ही, रीडिंग टाइम है, दिखाई दे रहा होगा सबको, तो यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, जिस तरीके से आप एक अनसीन पैसेज करते हैं एग्ज़ाम में, तो ठीक इसी तरीके से, हालांकि ये एक चैप्टर ही है आपके लिए और इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं आगे दिए हैं, और ये क्वेश्चन ही वर्कबुक के क्वेश्चंस के रूप में आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर आपको इसमें अच्छा होना है, यानी अगर आपको अनसीन में अच्छा होना है, तो ये जो आपको लगभग 12 या 13 जो चैप्टर हैं, क्योंकि 5 चैप्टर तो इसमें पोइम के होंगे, सॉरी हाँ 6 चैप्टर इसमें पोइम के होंगे, टोटल 18 चैप्टर्स हैं, तो आपके पास 12 चैप्टर ऐसे होंगे कि आप उन 12 चैप्टर में आपको एक अनसीन की तरीके से छोटे छोटे आपको पैसेज मिलेंगे, तो आप यहाँ इनके उत्तर भी निकालना सीखिए और इनको लर्न भी करिए,
तो इससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपकी एक अनसीन की भी प्रैक्टिस हो रही है और आप उत्तर किस तरीके से बना सकते हैं इसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, और दूसरा आपको चैप्टर तो लर्न हो ही जाएगा। क्लियर? हाँ, तो एक बार सबसे पहले जो अपना पैटर्न था उसी के अनुसार अगर किसी अनसीन को आप करते हैं, मैंने पीछे भी आपको एक दो बार बताया है, तो कोई भी अनसीन अगर आप करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होता है कि जो क्वेश्चन अनसीन में दिए हुए हैं आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन को पढ़ना होता है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो भी हमारा पैसेज दिया है हम इस पैसेज को पढ़ने लगते हैं, इसके बाद फिर इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और फिर हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तब इस क्वेश्चन के आंसर इसमें मिलते हैं। शॉर्ट जो मेथड होता है वो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अनसीन को पढ़िए, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, अगर इसका आंसर कहीं आपको मिलेगा तो आप तुरंत ही इसको अंडरलाइन कर लेंगे, समझ जाएंगे कि इसमें इसका आंसर है, और थोड़े बहुत ग्रामर के चेंजेस के साथ उसे आंसर के रूप में आप लिख देंगे। बात आ रही समझ में? तो ये बस आपको जो पैटर्न है उसे अच्छे से सीखना है, जिससे अगर बड़े एग्ज़ाम में भी आप कोई अनसीन पैसेज करते हैं तो आपको ये ठीक से समझ में आ जाए कि टाइम या किस तरीके से बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप इसे दो बार पढ़ते हैं तो इसका मतलब इतनी देर में आप दो अनसीन कर सकते थे, आपने एक ही अनसीन पे इतना टाइम खर्च कर दिया। ठीक, चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स इंटू नाउन्स एंड वर्ब्स। तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो वर्ड्स हैं इनको नाउन में या वर्ब्स में इनको चेंज करना है, तो इसे तो अभी आप छोड़िए क्योंकि ये तो कंप्लीट पढ़ने के बाद अपन बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फ्रॉम व्हाट डिड वुडन क्रिएट। फ्रॉम व्हाट मतलब कहाँ से, डिड वुडन क्रिएट के वुडन ने क्रिएट किया, द मेजर पोर्शन एक बड़ा हिस्सा ऑफ हिज कोचिंग फिलोसॉफी, अपनी कोचिंग की फिलोसॉफी का, यानी वुडन जो कोचिंग देता था, वुडन जो कुछ भी सिखाता था, हमें नहीं पता कि वुडन कौन है, आप इसे इस तरीके से पढ़िए, लेकिन हमें पता है चूंकि यहाँ कैपिटल लिखा है इसलिए हमने मान लिया कि ये एक नेम है। अब हमने क्वेश्चन का ठीक से अर्थ समझा कि फ्रॉम व्हाट डिड वुडन क्रिएट, कि वुडन ने कहाँ से क्रिएट किया, द मेजर पोर्शन ऑफ हिज कोचिंग फिलोसॉफी, यानी जो वो कोचिंग देता था तो उस कोचिंग देने के तरीके को उसने कहाँ से सीखा, बस ये आपको एक आंसर मिलेगा इसमें, वो आपको यहाँ रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड वुडन ऑलवेज फोकस ऑन, कि वुडन सदैव किस बात पर फोकस करता। अब ये भी आंसर आपको यहाँ मिलना चाहिए कि वुडन का फोकस किस बात पर ज़्यादा रहता। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द अदर कोचेस ट्राई टू डू। अदर कोचेस, तो जो दूसरे और कोच थे, तो वुडन भी एक कोच था क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से हमें समझ में आ गया कि वुडन कोचिंग दे रहा था, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्हाट डिड द अदर कोचेस, के जो अदर कोचेस थे, जो दूसरे कोचेस थे, ट्राई टू डू, वो क्या करने का प्रयास करते थे, यानी वुडन क्या करता था और ये क्या करते थे, कोई ना कोई डिफरेंस यहाँ होगा, तो वो हमें समझना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट डिड वुडन वॉन्ट, वुडन क्या चाहता था, हिज ट्रेनीज, जो ट्रेनी होते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, जिनको वो प्रशिक्षण दे रहा है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि उसके स्टूडेंट, जो स्पोर्ट के स्टूडेंट होते हैं उन्हें ट्रेनीज कहते हैं, कि वुडन अपने स्टूडेंट से क्या चाहता था, टू रियलाइज, महसूस करवाना, वैन दे वेंट टू स्लीप, जब वे सोने जाएं। तो इसका भी आंसर यहाँ देखना है कि जब वुडन के स्टूडेंट या वुडन के जो खिलाड़ी हैं वो जब सोने जाएं तब वो उनसे क्या महसूस करवाना चाहता है। अगला देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट इसमें मिलेगा, आप इस स्टेटमेंट का मतलब बताएंगे, मेक ईच डे योर मास्टरपीस। तो जो इसमें एक स्टेटमेंट मिलेगा कि मेक ईच डे योर मास्टरपीस, आप इस स्टेटमेंट का क्या मतलब बताएंगे। इसके बाद आगे देखिए कि व्हाई डू वी वांट, हम क्यों चाहते हैं टू लिव, जीना इन द फ्यूचर, यानी हम लोगों में ऐसी क्या बात है कि हम लोग हमेशा फ्यूचर में ही जीना चाहते हैं, तो इसका भी आंसर इसमें मिलेगा। व्हाट डज द ऑथर मीन
भाई इट वॉज डिज़ाइंड दिस वे सो दैट यू कुड लिव योर होल लाइफ इन अ डे। यानी वाई डज द ऑथर मीन भाई, लेखक का इस बात से क्या मतलब है? लेखक ने एक बात कही है तो निश्चित रूप से इसमें एक बात कही होगी, और आपको बताना है कि इस बात का क्या मतलब है। बात क्या है कि इट वॉज डिज़ाइंड दिस वे, कि ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, सो दैट ताकि यू कुड लिव, तुम जी सको, योर होल लाइफ अपना संपूर्ण जीवन इन अ डे, एक दिन में। तो इस बात का क्या मतलब निकलेगा? और अगला है व्हाट विल हैपन, क्या होगा व्हेन पीपल फाइंड यू मेकिंग, व्हेन पीपल फाइंड, जब लोग तुमको पाएंगे मेकिंग बनाते हुए, ईच डे योर मास्टरपीस, जब लोगों को ये समझ में आएगा कि तुमने अपना प्रत्येक दिन मास्टरपीस बनाया है, और ऐसा बनाते हुए लोग तुमको देखेंगे। तो आपको पूछा है कि व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? तो इतने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रखने हैं, दिमाग में क्वेश्चन को रखते हुए आपको अनसीन को पढ़ना है, क्लियर? चलिए अब देखिए आपकी जो अनसीन है वो क्या कह रही है। एक